और पहले दिन से कोड ऑफ कंडक्ट लगने तक सरकार ने बहुत निर्णय लिए हैं। इसलिए हम उस प्रकार का राजनीतिक दल नहीं है। पहली बार जो अपना मैनिफेस्टो बनाए तो नए विचार हमें सिर्फ मैनिफेस्टो में ही आए, और फिर जो 72 साल नहीं किया मैनिफेस्टो के डाल के भविष्य का कैंपेन उसी पे चला दें। भविष्य के वायदों पे लोग तब विश्वास करते हैं जब पूर्व में वो वायदे निभाए गए हों। पीयूष जी ने आपको कल दिखलाया था कि किस प्रकार से गरीबी हट जाएगी। 1952 का जो चुनाव था वो 6 महीने चला था। उस वक्त चुनाव आयोग इतना प्रोफेशनली वेल ऑर्गेनाइज नहीं था, और इसलिए उसका मैनिफेस्टो 1951 में आ गया था। तो गरीबी हटाना पहली प्राथमिकता है, ये 51 के मैनिफेस्टो में भी था कांग्रेस के। इनकम सपोर्ट स्कीम देंगे, ये 2004 और 2009 के भी मैनिफेस्टो में था कांग्रेस के। उससे तो कोई यमुना में आग लग नहीं पाई थी, और ना ही उसको ये निभा पाए थे, 10 साल लगातार सरकार थी। इसके विकल्प में जो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा अभियान है, मैनिफेस्टो तो कल आएगा, हमारी 5 वर्षों की लगातार परफॉर्मेंस का एक प्रकार से कल्मिनेशन है। इसमें कई ऐसे सरकार की उपलब्धियां हैं जो पहले भी आप सुन चुके हो, देश का बहुत बड़े वर्ग का नागरिक जानता है। और इसलिए पहला थीम जो होगा ये मल्टी मॉडल है। जिन जिन साधनों को हम अफोर्ड कर पाएंगे उनका प्रयोग करेंगे। तो पहला इसका केंद्र रहेगा काम करने वाली सरकार। भ्रष्टाचार के युग में 2014 में सरकार बनाना और उस राजनीतिक संस्कृति को बदलकर एक ईमानदार सरकार चलाना, इसलिए दूसरा थीम रहेगा एक ईमानदार सरकार। यह हम केवल भविष्य के लिए वायदे नहीं कर रहे, ये पहले पिछले 5 साल में दोनों चीजें हमने निभाई हैं। इसमें जिस जिस समाज के वर्ग के लिए काम किया है कैंपेन में उस वर्ग को आगे रखेंगे। तीसरा, जहां तक देश के हित में विकास को लेकर या राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बड़े निर्णय लेने की सरकार की क्षमता हो, कठिन और कठोर निर्णय लेने की भी क्षमता हो, इसलिए उसका एक थीम रहेगा बड़े फैसले लेने वाली सरकार। इसमें दोनों हमारे विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए विषय होंगे। इसका एक बड़ा जिसको बिग पिक्चर कहते हैं, बड़ा चित्र होगा। यह संभव इसलिए हुआ कि नेतृत्व वो था जो निर्णय कर सकता था। एक राजनीतिक दल का बहुमत था, एक स्टेबल न्यूक्लियस था, और उसके आसपास एनडीए का कोलिशन था। तो सरकारें ऐसी डगमगाती नहीं हैं, बड़े फैसले भी लेती हैं, विकास कार्य भी करती हैं, और इसलिए डिसाइसिव लीडर एंड अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट। मैं कई क्षेत्रीय दलों के नेताओं के बयान पढ़ रहा हूं, हम तो चाहते हैं कि हंग पार्लियामेंट आए। अब देश को तय करना है कि एक कमजोर सेंटर केंद्र देश के हित में होगा या एक निर्णय लेने वाला प्रधानमंत्री जो बहुमत की सरकार का प्रधानमंत्री होगा, और बहुमत भी ऐसा कि सिंगल पार्टी का बहुमत हो
और उसके साथ साथ देश के संघीय ढांचे को रिप्रेजेंट करते वाला एक कोलिशन हो। इससे हमारा मुख्य कैंपेन का थीम निकलेगा, फिर एक बार मोदी सरकार। ये सारे पॉइंट्स जोड़ दिए जाएं, जो हमारे कमर्शियल्स होंगे विज्ञापन टीवी रेडियो के, उनमें राष्ट्रीय सुरक्षा और जो सरकार की उपलब्धियां हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उसमें शौचालय, उज्ज्वला, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, सौभाग्य, पूरा अभियान जो भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ चला, किसानों का सपोर्ट, पीएम किसान, और एक विषय विशेष जिसे कहने में मुझे संकोच नहीं है, हमारी प्राथमिकता के जो केंद्र हैं वो दो हैं। पहला है गरीब, उसके संबंध में जो जो काम किया उसकी गरीबी कम हो, और दूसरा है इस देश का बढ़ता हुआ साइज का मध्यम वर्ग और नया मध्यम वर्ग। I am surprised that the Congress manifesto had not even a word, forget a sentence or paragraph, on India's emerging middle class. It's an aspirational class. गरीब आदमी भी वहां तक पहुंचने का कल्पना रखता है, और उनके जो सलाहकार हैं विदेशों से आए हुए, वो तो कह रहे हैं इसके ऊपर और टैक्स लगाओ। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियां मध्यम वर्ग के लिए ये है, और इसीलिए इस वर्ग का एक्सपेंशन हो रहा है। मैंने 2014 में कहा था कि ये 2 लाख की टैक्स लिमिट को धीरे धीरे 5 करना चाहिए, 2 को 2.5 किया, 2.5 को 3 किया, 3 और 5 के बीच में उसको 10% से 5% किया, और अंतिम बजट में पीयूष जी ने उसको 5 तक किया। एग्जेम्पशंस बार बार बढ़ाते रहे, जीएसटी घटाते रहे, इन्फ्लेशन जो 10% से ऊपर थी उसको 2-3% वाली रेंज में रखा, पे कमीशन लागू करो, मजदूर वर्ग के लिए मिनिमम वेज बढ़ाओ, जितने पब्लिक सेक्टर्स हैं उनको भी कहा जाए कि रिविजन्स करो, ओआरओपी तुरंत लागू करो। ये जितने हम लोगों ने कि इसलिए कि ये जो नए लोग उम्मीदों के साथ इस वर्ग में आ रहे हैं, इनकी जेब में खर्चने को अधिक पैसा हो। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से कई दशकों तक चाइना ने विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया अपनी लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर, अगले 20-25 साल में भारत के मध्यम वर्ग का परचेजिंग पावर केवल भारत की अर्थव्यवस्था ही नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। हमारे जो आउटडोर होंगे वो भी इसी कैंपेन को रिफ्लेक्ट करेंगे, हमारे पोर्टल्स होंगे जहां दिखलाएंगे कि कैसे हमने आम आदमी के जीवन को सरल कर दिया, ईज ऑफ लिविंग, विकास लाकर, सुविधाएं देकर, गरीबों को हेल्थ केयर हम लोगों ने दे दिया, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सुधार हुआ, और उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हमारे कैंपेन का, अभी तक तो मैंने सब रचनात्मक और पॉजिटिव बातें आपको बतलाई, वो एक तुलना भी होगी। आपको स्पष्ट बहुमत वाली एक कोहेसिव और टेस्टेड गवर्नमेंट चाहिए, या एक केओस या महामिलावट वाली सरकार चाहिए? किस प्रकार की घोषणाएं हो रही हैं? एक का सलाहकार कहता है मध्यम वर्ग पे टैक्स लगाएंगे हम ज्यादा, हमने 5 साल में एक टैक्स नहीं बढ़ाया, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में सिर्फ कम ही कम हुए। क्या इस व्यवस्था को बदलेंगे?
हमने बेस दुगना कर दिया, लोग ईमानदारी के रास्ते पे आ गए। कल एक पार्टी का परसों मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, उसने कहा कि इनकम पे नहीं, अब हम जिनके पास अधिक संपत्ति है संपत्ति के ऊपर 2% टैक्स लगाएंगे। और जब संपत्ति के ऊपर लगता है तो उसका क्या परिणाम होगा, और वो इसलिए लगाएंगे कि ये संपत्ति वाले मालिक जो हैं ये एक जातीय विशेष वर्ग के, क्या इस प्रकार की कोई महामिलावट चाहिए? तीसरा कहता है एक क्षेत्रीय दल का कि हमें तो हंग सरकार चाहिए कि हमारी चल सकती है। बहुजन समाज पार्टी का तो पुराना नारा है कि केंद्र की सरकार कभी मजबूत नहीं होनी चाहिए, मजबूर होनी चाहिए। तो इसलिए हमें एक कप्तान वाली सरकार चाहिए, या 11 मेंबर की टीम में 40 कप्तान चाहिए। और हमारे कुछ विजुअल्स वगैरह इसके ऊपर भी बने हैं, तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथी जो जिन्होंने बहुत योगदान दिया, संक्षिप्त में आपको ये सब दिखलाएंगे। जैसा कि अरुण जी ने बताया, पहले एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें जो टैगलाइन है उसका, जो इनॉग्रेशन है उसका वीडियो। जो दूसरा वीडियो इस श्रृंखला में है वो इस कैंपेन का थीम सॉन्ग है। We'll be right back.
इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो टेलीविजन कमर्शियल्स बनाए गए हैं उनकी एक झलक आपको इन वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। ये मच्छर भी ना चले इतनी सुबह सुबह वोट दे रहे। चलो तुम भी। क्या हो रहा है एक वोट से? अच्छा क्या हो रहा है धुएं से? मनु जी मच्छर भागेंगे या मरेंगे इस धुएं के डर से? मीनू जी वैसे ही आतंकवादी भागेंगे या मरेंगे मोदी के डर से? बात तो बिल्कुल सही गई। अपने इंडिया ने पहली बार कितना कड़ा टेररिस्ट ऑपरेशन किया ना। केवल तारीफ नहीं वोट करो। पिछले वोट से ऑपरेशन किया और ये वोट से चलो आतंक का सफाया करते। चलो इस बार तो आर्यपाल। चलो फिर एक बार आतंकवाद को हराते हैं। चलो फिर एक बार मोदी सरकार बनाते हैं। कमल का बटन दबाएं भाजपा को जिताएं। अरे इसने अपनी सैलरी से लाखों रुपए तो सफाई कर्मचारियों को दे दिए।
गंगा की सफाई के लिए दे दिए करोड़ों रुपए की गिफ्ट, बेटियों की पढ़ाई में लगा दिए, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो हो जाए फिर से अगला जो आउटडोर क्रिएटिव्स या होर्डिंग्स लगेंगे उनके कुछ सैंपल आपको दिखाएंगे जी। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी और पार्टी का जो डिजिटल आउटरीच है वो भी काफी एक्सपेंसिव है, इसलिए इस कैंपेन को ध्यान में रखते हुए एक कैंपेन वेबसाइट लॉन्च करी गई है narendramodi.in/campaign2019। ये प्रधानमंत्री जी की वेबसाइट और पार्टी की वेबसाइट का इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है। इस पे पिछले 5 साल की जो विकास यात्रा रही है और वॉलेंटियर सेक्शन, मर्चेंडाइज सेक्शन, डोनेशन सेक्शन, ये तो तमाम कैंपेन से जुड़े हुए पहलू पहले भी जो लॉन्च किए गए उनको इंटीग्रेटेड तरीके से यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। ये वेबसाइट प्रधानमंत्री जी के ऐप जो दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड पॉलिटिकल ऐप है उसके साथ भी कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड है। हमारे जो थीम सॉन्ग है और जो टैगलाइन है उसके आधार पे हमने एक रिंगटोन भी लॉन्च करी है। ये रिंगटोन सभी बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स पे, चाहे एयरटेल हो, वोडाफोन, आइडिया और जियो, इन पर अवेलेबल है। ले दे रिंगटोन। और अंत में जैसा अरुण जी ने बताया कि एक कंपैरेटिव कैंपेन भी जो चलेगा उसका एक छोटा सा उदाहरण आपके लिए हम यहाँ पे दिखाएंगे। मित्रों ये कुछ इनिशियल सैंपल्स हैं, इसके बाद और भी आएंगे, ये एक इंस्टॉलमेंट है। तो ये कैंपेन लंबा है तो बदलते भी रहते हैं, उसको ग्रो भी करते रहते हैं हम रिस्पांस देख के। इससे जुड़ा कोई सवाल आप लोगों के पास हो? हिमांशु मालूम नहीं, वो उनके कैंपेन के लिए एसेट है कि हमारे कैंपेन के लिए एसेट है। आप देखिए, मैं हर
धार्मिक ग्रुप रिलीजियस डिनोमिनेशन से हम लोग अपेक्षा करेंगे कि धर्म के नाम पर इस प्रकार की अपील्स ना करें। हर एक का वोट होता है, अल्पसंख्यक का भी है, मुस्लिम कम्युनिटी का तो है, बाकी वर्गों का भी है, लेकिन केवल उन्हीं का वोट है, दूसरों का नहीं है। इस गलतफहमी में कोई राजनीतिक दल ना रहे। जब इस प्रकार का पोलराइजेशन कोई अपील से करवाता है तो उससे लाभ होता है कि नुकसान होता है, ये पहले पहलू समझ ले। पॉलिसी पैरालिसिस किसकी सरकार के साथ एसोसिएटेड था, भ्रष्टाचार किसकी सरकार के साथ एसोसिएटेड था, लकवा मार सरकार किसकी सरकार के साथ शब्दावली का निर्माण हुआ था। बिल्कुल, हम हर राजनीतिक दल को यह अपील करनी चाहिए, केवल हमें क्यों, हम तो पूरा प्रयास करेंगे कि हायर वोटिंग टर्नआउट हो। यू सी, इट इज ड्यूरिंग द कोड ऑफ कॉन्डक्ट पीरियड, बोथ द इलेक्शन कमीशन and the income tax department both act jointly and also separately in trying to keep a check on excessive use of black money in the elections. This is their function, they do it. None of them in these matters reports to the government. I think it should be a question for introspection rather than calling either the election commission or the revenue department as political. The pattern so far has been, as is available from media reports, wherever you have Congress governments, the worst form of corruption is taking place. Government departments are allowing larger payments to PWD contractors and other beneficiaries. This money round trips into the government, round trips back into the political system, and then as cash, it is distributed across. Let me say this, and today I've written something on this also. The BJP in this election is concentrating on checks or electoral bonds, which are both white money. Those political parties which reject the concept of check or electoral bonds are still going by the black money and the wholly non-transparent system of cash. This is corruption. Those complaining of politicization should be ashamed of what they are doing. They are bringing a bad name to Indian politics.